अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे किचन में। आज हम बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए हमें 2 kg हमने चिकन लिया, 1 kg हमने अनियन लिया, 2 tablespoon हमने जिंजर लिया, 2 tablespoon हमने गार्लिक लिया और 3 हमने टमाटो लिए, 2 tablespoon हमने रेड चिली, 2 tablespoon हमने सॉल्ट और 1/2 tablespoon हमने टर्मिक लिया, 2 हमने लेमन लिए और मिंट्स लिए हमने, कोरिएंडर लिया और इमली हमने लिए भिगो के रख दी उसको, और नेशनल काम बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। अब हम अनियन डालेंगे, अब हमने इतना इसको पकाना है कि इसका कलर ब्राउन आ जाए, डार्क ब्राउन हो जाए। प्याज हमने इतना भून लिया, अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इनको भूनेंगे। अब हमने इसको भून लिया, अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और उस वक्त तक हम इसे अच्छे से हम चिकन को पका लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम चिकन को अच्छे से पका लेंगे। चिकन हमारा पक चुका है, अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे और 1 पाव हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर इमली ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी, और साथ ही इसके अंदर हम रेड चिली और ये टर्मिक ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करके 10 मिनट तक हम इसे कवर करेंगे। 2 kg हमने राइस लिया, उनको हमने भिगो के रख दिया। अब हम पानी बॉईल करेंगे चावलों के लिए और इसमें हम जस्ट नमक ऐड करेंगे, इसके अलावा हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे, कोरिएंडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी मिंट की पत्तियाँ ऐड करेंगे। अब हम ये बिल्कुल तैयार, साथ रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें खीरे, बंद गोभी, प्याज, टमाटर, उबले हुए आलू, दही, काली मिर्च और नमक, ये हसबे ज़रूरत आप जितनी डाल सकें। अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हम थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब रायता हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी 2 तहें लगा दी, अब हम इसको दम देंगे और इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे और अब हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब हम आपको इसको गार्निश करके दिखाएंगे। बिरयानी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है।
उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको बनाकर। और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।